हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिनिमम डायमेंशन आर यूज इन हाउस। हम अपना घर बनवा रहे हैं तो हम कितनी कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, उससे कम करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो वीडियो है फ्रेशर्स के लिए है, साइट पर जो वर्क करते हैं उसके लिए है, और नॉर्मल पीपल्स के लिए भी जो अपना घर बनवा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 125 mm, यानी कि जो हमारी स्लैब होनी चाहिए 125 mm की होनी चाहिए। इससे अगर कम रहेगी तो वो स्लैब किसी काम की नहीं रहेगी, वो ना ड्यूरेबल रहेगी, ना लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, ना ही लोड बेयरिंग रहेगी। ये जो स्लैब है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे कम रहेगी तो स्लैब किसी काम की नहीं है। तो जो जितनी भी स्लैब हमारे घरों में देखते हैं हम, वो 14 से 15 सेंटीमीटर के बीच की रहती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 15%। जो वाटर सोखने की जो मटेरियल की वो रहती है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो मटेरियल्स रहता है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ रहती है पानी सोखने की। अगर वो पानी ज़्यादा सोख लेगा तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा और आपके मटेरियल के अंदर ख़राबी आ जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका ख़राब है, आप ख़राब मटेरियल उठा लाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर द बार हैविंग डायामीटर मोर देन 36 mm, यानी कि अगर डायामीटर 36 mm का है तो हम उसके अंदर लैपिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब लैपिंग होती क्या है? लैपिंग असल में दो सरियाओं को जोड़ दें, दो बार्स को जोड़ दें आपस में, उसको हम लैपिंग कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि देखें ये आपस में दो बार आपस में जुड़ रही हैं। तो अगर इस बार का डायामीटर 36 से ज़्यादा है या 36 है तो हम इसके अंदर लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेयर स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग इज़ 1 meter, यानी कि जो चेयर स्पेसिंग हम दें उसके अंदर 1 meter से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नई स्पेसिंग होनी चाहिए। तो चेयर स्पेसिंग होती क्या है? चेयर स्पेसिंग जो रहती है वो हमारी, ये आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर साफ है, आप देख सकते हैं कि ये जो बार है, ये जो हमने एक शेप बनाया है, ये चेयर स्पेसिंग है। ये जो है क्या करती है, ये फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चेयर स्पेसिंग में हम बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो हमने आपको ये दिखाई बार, इसका जो डायामीटर है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये जो बार हम इस्तेमाल करें ये 12 mm की हो या 12 mm से ज़्यादा हो, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो इंजीनियर साइट पर वर्क करते हैं तो वो इस तरह की फ़िगर होती है उनके सामने, तो वो बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने mm की बार इस्तेमाल की जाएगी। तो 12 mm से कम की तो नहीं कर सकते हैं, उससे ऊपर की है उसकी ही करें। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8% एंड मोर देन 6% ऑफ गॉड CS, यानी कि हम जो लॉन्गिट्यूडनल बार रहती हैं, ये जो बार रहती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल बार कहलाती है, जो इसके अंदर एक सीधी सीधी लंबी लंबी बार जा रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार होती हैं जो कि RCC के अंदर पड़ती हैं। ये जो रहती हैं ये 0.8% से कम की नहीं होनी चाहिए और 6% से नहीं कम ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस पूरे आप जो इसके अंदर वर्टिकल और मेन बार से गॉर्स का एरिया निकालें, हम उसका पूरा पता निकालें, तो उसका 0.8 से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम बार्स फॉर स्क्वायर, यानी कि हमें कम से कम स्क्वायर अगर हम बना रहे हैं कॉलम तो उसके अंदर 4 बार होनी ज़रूरी हैं, इससे कम नहीं चाहिए। और अगर हम सर्कुलर बना रहे हैं तो 6, ये जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम स्क्वायर कॉलम बना रहे हैं तो 4 चाहिए, अगर हम सर्कुलर बना रहे हैं तो 6 बार चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेन बार इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm ऑफ 10 mm प्लेन बार, यानी कि जो मेन बार्स होती हैं, आप समझते हैं कि मेन बार क्या रहती है। ये देखो इसके अंदर आप देख रहे हैं ना मेन बार, ये चीज़ मेन बार होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल बार होती हैं। हर RCC के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती हैं। तो इनका जो डायमीटर होना चाहिए बार्स का वो 8 mm का कम का नहीं होना चाहिए, और जो प्लेन बार हम इस्तेमाल करते हैं वो 10 mm से नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो ये जो बार्स हैं 8 mm से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। और HYSD क्या है? HYSD एक ये बार की ही एक क्वालिटी या फिर ब्रांड रहती है जिसको खासियत रहती है। इस तरह की बार मिलती है, एक प्लेन बार मिलती है, एक HYSD की मिलती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स रहती हैं। इसके अंदर आप रिंग शेप का कुछ देखेंगे, उन्हीं को कहते हैं ये वाली बार्स HYSD। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा pH वैल्यू ऑफ द वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। अब pH वैल्यू क्या रहती है? pH वैल्यू एक वाटर की
स्केल होता है जिसके हम एसिडिक और बेसिक चीज़ों को मेज़र करते हैं। अगर 6-7 से पहले चले जाएंगे तो हमें एसिडिक वाटर मिलेगा, 7 के बाद चले जाएंगे बेसिक वाटर मिलेगा। तो इन्होंने कहा है कि जो हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर के लिए, जो भी साइट पर वर्क कर रहे हैं, तो वो उसकी पीएच वैल्यू देख ली जाती है, उसकी वैल्यू चेक करी जाती है वाटर की, या तो वो 6 से कम की नहीं हो, अगर 6 से कम की हो जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक अगर वाटर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी किसी बिल्डिंग को बनाने में तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा कि उसके अंदर कोरोजन आ जाएगा, जंग आ जाएगी, या फिर बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा, वो जल्दी छूटने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जब तक अब अगली वीडियो के इंतज़ार करिए, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, सत श्री अकाल। और आप ये करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल।